देखिए, अब इतना लंबा मैच चल रहा है, कोई मोमेंट आ गया कि हाँ आपको कोई कमेंट्स मिल गया तो उसका रिप्लाई मिलता मिल जाता है दूसरी एंड से, तो वो अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा गर्मा गर्मी हुआ तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू बनने की चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से इस चीज़ को छोड़ दिया जाए, पार्ट ऑफ द गेम है, एंजॉय करने का वो एक तरीका होता है ये भी कि हाँ दूसरे बैट्समैन को कुछ बोलते हैं, गुस्से में आ जाए, कुछ गलती कर बैठे, वो सब मोमेंट होते हैं, ऐसा ना कि कोई पर्सनल चीज़ हो, ये कि पार्ट ऑफ द गेम है, आप इन चीज़ों को पर्सनल ना लीजिए, क्योंकि अगर स्लेज नहीं होगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, पब्लिक को भी मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा एग्रेशन होगा तो शायद मैच में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, पब्लिक भी देखने के लिए आती है, तो मेरे हिसाब से ये तो पार्ट ऑफ द गेम है और होना भी चाहिए। ऐसे आप देख रहे हैं कि यार पहले 2 दिन अच्छा चला है, विकेट नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन से थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है, आपको देखने को मिला है अनइवन बाउंस हुए हैं और थोड़ा सा लो भी रहा है 2-4 बॉल, लेकिन आपने देखा है कि पर्थ का विकेट जैसा रहता है उसने वैसा ही बिहेव किया है अभी तक भी। ये सबके दिमाग में था कि हाँ तीसरे चौथे दिन के बाद कुछ ना कुछ हरकत होगी, वो आपको देखने को मिली। देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करूँ, वो आपके लक के ऊपर रहता है कि आपको कितना विकेट मिलता है कितना नहीं मिलता है, बट आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि आप अगर टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आपको अपनी लाइन और लेंथ पर फोकस करना चाहिए और विकेट तो ऑटोमेटिकली आपको मिलते हैं। देखिए, कौन क्या करता है हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं, अपोनेंट टीम क्या करती है हमारे लिए, हमें अपने गेम पे ध्यान देना है, हमें अपनी अपने जो गेम में इम्प्रूवमेंट है उनको ध्यान देना है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, क्या लूज़ पॉइंट हो सकता है, हमें वो सोचना, ना कि दूसरी टीम का सोचना कि आप हमारे किस स्टेप पर आप निगाह रखते हैं किस पर नहीं रखते हैं, हमारा जो काम है वो हमें करना है, डजेंट मैटर को क्या सोचता है क्या नहीं। देखिए, ये डिसाइड करता है टीम मैनेजमेंट, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और हमारे पास एक स्पिनर था जो हनुमा बिहारी का, अच्छा उसने भी ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते उसने ख़राब डाला, अच्छा बॉल डाला है, लेकिन थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ होना चाहिए था, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हाँ आपका मैनेजमेंट आपका क्या डिसाइड करता है।